क्या देखती हूँ मैं, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान, लड़के मोटरसाइकिल पे बनियान, लिटरली बनियान पहनी थी उस लड़के ने और उसके ऊपर टैटू पहना हुआ था। मेरी नीयत बिगड़ने की, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी एक दिल है, रोंग करके गया लेके ही वॉज आस्किंग फॉर इट। ये क्या था मेरा दिल से, मुझे कोई पता है इस दिस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान? लड़के ऐसे धड़ल्ले से नंगे नंगे बाजू दिखा के घूमेंगे तरीका? मैंने देखो कैसे कवर रखा हुआ है अपने मियाँ के बाजू वगैरह के, तो उसको कोई लड़की ना देखे, चश्मे तक मैं पहनाती हूँ कि आंखें भी नहीं नजर आए उसकी। देखो जी लोग कैसे कैसे मोटरसाइकिलों पे लड़के घूम रहे हैं जैसे उनको कोई अपना ही नहीं, खुली तिजोरी की तरह घूम रहे, खुली तिजोरी। फिर कुछ होएगा तो बोलेंगे कि भाई हमने क्या किया था, हम तो कुछ भी नहीं थे, हम तो ऐसे ही घूम रहे थे ऐसी। और ये जो मोटरसाइकिल पे बैठने का अंदाज है ये बेहूदा और बिल्कुल वाहियात है। इसमें इस तरीके से लड़के बैठते हैं तो लड़कियां क्या क्या नहीं सोचेंगी, बताएं आप मुझे। मतलब मेरी सोच कहाँ तक भाग गई, आपको नहीं पता? लाहौल वाला कुआं, लाहौल वाला कुआं टैटू दिखा रहा था, मतलब टैटू दिखा रहा था कि देखो ये बिल्कुल रिबेलियस नेचर वाला ना, कि मैं बोलूँ हाँ भाई बैड बॉय इधर आ तुझे दिखाओ अपनी बैडनेस। व्हाट इज हैपनिंग, ये दुनिया में क्या हो रहा है? लोग कोरोना से मर रहे, इस कोरोना का अजाब जब आपके लड़के निकलेंगे इस तरीके से स्लीवलेस और टैटू निकाल निकाल के, तो ऐसा ही होगा भाई। मेरे पीछे बिल्कुल मासूम बच्ची बैठी हुई है, उसने भी देखा होगा, क्या सोचा होगा उसने, मुल्क में क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ बड़ी हो रही है, उसकी क्या वैल्यूज निकलेंगी ऐसे अगर वो लड़कों को देखेंगी कि इस तरीके से पहले वो। और वो मुझे अपनी माँ का रिएक्शन देखेगी कि सब देख रहे हैं उसको और सब सीटियाँ बजा रहे, तो वो भी सीटी बोल सबसे पहले एबीसी से ज्यादा पहले सीटी बजाना सीखेगी। क्यों भाई बच्चा, गलत बात है। ऐसे मुल्क को ना लानत भेजती हूँ, मतलब ऐसे जैसे जिसमें लड़कों को इतनी आजादी मिली हुई हो कि वो इस तरीके से घूम रहे हो मोटरसाइकिलों पे निकरे पहन के, मतलब अकेले, वो भी अकेले, मतलब कोई औरत नहीं थी, कोई महरम उनके साथ इस तरह की नहीं थी, प्रोटेक्ट करे कौन था ये? मतलब उसके माँ ने उसको सिखाया ही नहीं किस तरीके से अपने आप को ढाक छुप के घर से निकले? क्या तरीका यार, क्या तरबियत और क्या खानदानी पर मुझे नजर आया उस पर। और ये देखो ये मुझे नजर आ रही है ब्लू फिल्म रोडों पे चलती हुई, मतलब ये तो ना इंसाफी है। सारा मेरा दिन खराब हो गया, सारा दिन खराब हो गया, मतलब लिटरली आप समझे बात को। मैनिज्म के नाम पे जो निकले जा रहे हैं ना इस तरीके से, और मर्द मार्च हो रही है इस वजह से, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वो जो है ना स्लीवलेस और टैटू देखो निखरे पहन के निकले, ताकि जो है ना और हमें कुछ कहो नहीं। बात है क्यों ना कहूँ मैं भाई, रोड पे घूम रहे हो तो मैं क्यों ना कहूँ, क्यों ना कहूँ? मेरी नजरें देख, पब्लिक स्पेस है वो, उस पर मैं क्यों ना कहूँ? है क्यों ना, मेरी नजरें, तूने नेकर पहनी है तो मेरी नजरें तो जाएंगी ना तेरी टांगों पे। वैसे मस्कुलर सी थी ना, है देखो जरा ईमान डगमगा गया मेरा, क्यों ऐसे क्यों चूटी क्यों नोची और इस तरह थप्पड़ क्यों मारा और ये सब कुछ क्यों होता है? देखो जरा ये देखो, ये देख रहे हैं आप जरा वाहियात बना, ये नहर में जो है ना लड़कों को मतलब नजर रहा लेकिन वो बैठे हुए अप कर रहे हैं, गुसल कर रहे हैं बगैर शर्टों के, चिपकी हुई है शर्टें। क्यों ये गर्मी इतनी चढ़ी हुई है, मेरे अंदर गर्मी चढ़ी हुई है और इस तरीके से गुसल कर रहे मेरे सामने हैं पब्लिक स्पेस में, ये तो ये फिर अजाब अल्लाह सही नाजर करता है हम लोगों पे इस तरह से। कभी ना स्विमिंग पूल ना इसमें मैं डालती हूँ उसको, क्योंकि वो पानी का जो लगता है ना वो लहरें, तो उससे भी ना आदमी लोग थोड़े से फड़फड़ा से जाते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल भी इसको पानी वानी में ज्यादा देर नहीं रहती। मेरा मर्द जो है ना खराब हो जाएगा।